अब हम क्या बोलते हैं जी कि हमें कम से कम, ये तो दो ओपनर हैं, हमें कम से कम तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का। अच्छा मैं जरा एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दे दूं आपको कि इजाज अहमद और इंजमामुल हक टाइप खिलाड़ी। हाँ यही यही है ना हमारा मिडिल ऑर्डर, वो उस टाइप के ना भी हो लेकिन तीसरे और चौथे नंबर का वो प्लेयर हमें चाहिए जो सेंसिबल खेले, जो सिचुएशन के हिसाब से खेले, जो मैच लेके चले। मोहम्मद यूसुफ ठीक है, ये जो सिंगल डबल्स लेने वाले प्लेयर होते हैं ना, ये एक तो आउट भी उनका होने के चांसेस कम होते हैं, उसके बाद जो इनके साथ सामने अगर तेज खेलने वाला हो ये उसको खिलाते हैं, स्ट्राइक रोटेट होती रहती है। ये क्या करते हैं, ये दो से तीन बॉलों पे सिंगल डबल्स लेते हैं, तीन सिंगल हो गए, तीन बॉलों पे अगर इन्होंने ले लिया, अगर सपोज अगर कोई नीचे खेलने वाला है उसने तीन बॉलें खेली, उसने तीन सिंगल ले लिए, जो सामने छक्के मारने वाला अगर उसने तीन में से दो बाउंड्रियां भी मार दी तो 8-10 रन तो यही हो गए। ये इस तरीके से खेलते हैं, आपने कितनी दफा शोएब मलिक को देखा होगा, वो खिलाता था सबको, बिल्कुल ठीक है, सिंगल लेकर आ जाता, वो हिटिंग नहीं करता था, वो उस टाइम हिटिंग करने की कोशिश करता था, जब आखिरी 3-4 ओवर रह गए तो वो मारने की कोशिश करता था, वरना वो लेके चलता था सबको। इसीलिए मैंने भी एक जगह पे बात की थी कि यार सलमान आगा ठीक है, जो जिसने पीएसएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सलमान आगा T20 में इतना अच्छा खेल सकता है, वो अच्छा सेंसिबल खेलने वाला है, वो सिचुएशंस के हिसाब से खेलने वाला प्रॉपर मिडिल ऑर्डर प्लेयर है जी ठीक है। अब आप देखें कि बाबर आजम तीसरे नंबर पर आए साई मयूब की वजह से जी ठीक है। अब मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम नीचे ही रहता बहुत ठीक है, फखर जमान ओपन चला जाता जबरदस्त, या आप उस्मान को ओपन भेज देते, आप बाबर को तीसरे पे ही रहने देते, वन डाउन रहते ठीक है, रिजवान या फखर जमान या रिजवान या उस्मान से ओपन करवा लेते, बाबर तीसरे पे रहता, क्योंकि आपके पास बाबर जैसा प्लेयर 6 ओवर के बाद हमें चाहिए, वो हो सकता उससे ज्यादा जो हमें फायदा होता। तो लेकिन मैं ये समझता हूं कि ऊपर के जो 3-4 नंबर्स है ना उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने खिचड़ी पकाई, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पुश किया, हालांकि सिंपल सी एक चीज थी, आपने फखर जमान को जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे हो आप चौथे नंबर पे, साइम की फॉर्म नहीं थी, आप लेके आते फखर जमान को एज अ ओपनर, रिजवान की जगह पे बाबर आ जाता तीसरे नंबर पे, आइडियल ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास सलमान आगा टाइप का प्लेयर होता वो आता आपके पास चौथे नंबर पे, या आपने अगर उस्मान को भेजना, उस्मान को ले आए चौथे पे, मतलब जो भी आप कर सकते थे 3-4 में यही बनते सारे। इसके बाद जो है जैसे मिसाल के तौर पे अब जो हम इंडिया के लिए खेलने जा रहे हैं, आइडियली अगर ऐसा हो कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को लेते हुए और फखर जो है वो इंडिया के मुकाबले में काफी पॉजिटिव रहे हैं काफी हद तक, चाहे वो 50 ओवर का हो चाहे वो 20 ओवर का हो, अक्सर और बेशतर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ रिजवान और फखर ओपन कर देते हैं, बाबर आते हैं वन डाउन और उसके बाद उस्मान या देखिए पहले तो ये एक आइडियल सिचुएशन होगी, आइडियल तो कह सकते हैं, लेकिन पहले ये तो देखें मैच हमारा है कहां पे, आई थिंक मैं गलत नहीं तो न्यूयॉर्क में तो न्यूयॉर्क का बॉल तो टिप ही नहीं रहा बैट्समैनों को, हमें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि हम रन किस तरह करेंगे, उसमें भी अगर बाबर और रिजवान अगर ओपन गए जो कि लगता भी है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं इस शो में बैठ के एक मैसेज देना चाह रहा हूं बाबर आजम और टीम को, बाबर आजम को इंडिया के खिलाफ तीसरे नंबर पे आना चाहिए, एग्जैक्टली यानी नए बॉल पे फेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह है क्योंकि आपके दोनों मेन प्लेयर ओपन कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, उनकी तो पूरी कोशिश होगी 6 ओवर में इनको फारिग करो, उसके बाद टीम फारिग। तो बाबर को कोशिश ये करनी चाहिए कि क्या कहते हैं उसको तीसरे नंबर पर फखर को ले आए रिजवान की जगह। अच्छा ICC ने भी ये कह दिया है कि ये जो मैच होने जा रहा है न्यूयॉर्क के अंदर 9 तारीख को, इसकी पिच गैर मियारी है, यानी वही ड्रॉप इन है। मैंने आपसे क्या बोला था, और कोई पता नहीं 9 तारीख को ब्रेक विकेट बन जाए, और ICC ने यह भी रेकमेंड किया है कि मैच से पहले अगर पिच चेंज हो सकती है तो उसे कर दिया जाए, यानी वही एक और ड्रॉप इन, यानी ये तो ऐसा लग रहा है कि अब पहली बॉल अगर मैंने आपसे क्या बोला था थोड़े दिन दो दिन पहले, यही आपने बताया था और अब मैं वही आ रहा हूं, आप ड्रॉप इन पिचेस देखे बात सुने नहीं तनवीर भाई, आइडियली सिचुएशन में आपको ये बता रहा हूं कि अगर इंडिया ने पहले टॉस जीत करके बॉलिंग ली और स्पिनर को लगा दिया तो फिर आपका वो वाला क्लिप निकाल के मैं दिखाऊंगा। नहीं वो लगाए ना लगाए, हाँ मैंने आपसे क्या बोला था ड्रॉप इन पिच आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, वो बनेगी नहीं बनेगी, अब बन गई ना, ICC ने कह तो दिया कि चेंज करवाएं, ठीक है ICC ने क्या बोला चेंज करवा दें, किसी ग्राउंड की पिच आप कैसे चेंज कर सकते हैं, जो वो तो जो मट्टी है उसमें जो जान है जो रोल होगा वही सब कुछ होगा वही वैसे ही रहेगी, अब समझ आई आपको, ये है जी ड्रॉप इन का डिसएडवांटेज, बिल्कुल, और कुछ लोगों के लिए नाजरीन एडवांटेज, बिल्कुल। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।